अच्छा, मुझे जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मतलब व्हीलास पे, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से, उससे या लोग डिस्कशन करते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग और इन्वेस्टमेंट, मैं या जिन लोगों ने एग्रीमेंट कर लिए हैं, जिन इन्वेस्टर्स ने 20,000 एकड़, 20 ब्लॉक, 25 ब्लॉक, 10 ब्लॉक, मैंने ये देखा है कि वो कॉर्पोरेट फार्मिंग के कॉन्सेप्ट से वाकिफ नहीं है, माजरत के साथ। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, 1-2%, 1-1.5% लोग समझते हैं। अब मैं सारी उम्र यूरोप, बहुत सारा हिस्सा अपने कैरियर का ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका गुजारा, वहाँ 100% कॉर्पोरेट फार्मिंग है मोस्टली। तो पाकिस्तान में या इंडिया में हमारे वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 एकड़, 150 एकड़, 50 एकड़ की फार्मिंग है, मां सिवाय 1, 2, 3, 4 बड़े जो हमारे ग्रोअर्स हैं उसके अलावा। 500 एकड़ की भी होगी तो वो मेरे नज़दीक को बहुत बड़ी फार्मिंग नहीं है। यहाँ पे तो हजारों एकड़ है ना, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 एकड़। तो ओबियसली फिर लैंड डेवलपमेंट के लिए, लैंड प्रिपरेशन के लिए, फिर जो क्रॉप के इनपुट्स हैं, सीड फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, वो तो बहुत अखराजा चाहिए ना। वो जब कैलकुलेट करते हैं करोड़ों में और बात अरबों में पहुंच जाती है, सीपी जो इंक्लूड करके, वो कहते हैं ओहो ये तो काम ही सही नहीं लग रहा, ओहो ये। और मेरे अल्लाह के दोस्तों, अल्लाह के बंदो, आज आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ की, वो आपको कल को बहुत ज्यादा रिटर्न देगी। ये आप एक सेंटर पिवट लगा लेना जी, 132 एकड़ की रोड ग्रास लगा लें, 1 साल में वो आपको अपने पैसे वापस कर देती है। मैं आपको क्रॉपिंग पैटर्न बताऊंगा, उस क्रॉपिंग पैटर्न में वो लो इनपुट कास्ट है, हाई जो है ना, हाई वैल्यू आउटपुट है उन क्रॉप्स की। तो वो आपकी जो रिटर्न है वो आना शुरू हो जाता है, कंप्लीट आपका पे बैक हो सकता है 3 साल लग जाए, लेकिन 30 साल की, 30 ईयर की लीज है, फिर बाकी सारा उम्र आपने कमाना ही है। तो असल में जो लोग आ रहे हैं ना, वो माजरत के साथ ज़्यादातर सेठ हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, सेठ ने मशीनें लगाई होती हैं, बॉयलर लगाए होते हैं। वो कहता है मैं इधर से, उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं इधर से बटन दबाएं, ये बैलेंस शीट तैयार हो गई, ये आ गया, ये चला गया, ये क्या इधर पैसा लगाते जाओ। डॉक्टर साहब कहते हैं हर 100 एकड़ के लिए एक ट्रैक्टर तो लें कम से कम, फिर ये आप हल पंजालियाँ लें, इम्प्लीमेंट्स लें, रोटावेटर लें, डिस्क हैरो लें, सेंटर पिवट 1-5 सौ 150 एकड़ के लिए 5-6 करोड़ की पिवट लगा लें, और इधर इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें, कमरे बना लें, रहायशें बना लें, सड़कें बना लें, ट्रैक्टर के लिए शेड्स बना लें, मशीनरी के लिए शेड्स बना लें। वो डर से इतने पैसे, इतने पैसे, उनका तो ये होता है कि आज बैंक में पैसे रखे हैं कल उस प्रॉफिट आ गया। यहाँ वो वाला सिस्टम क्यों नहीं है? एग्रीकल्चर डिफरेंट फील्ड है सर जी, पेशेंस, सब्र और प्लानिंग, ये पैसे के बलबूते पे नहीं चलता। पेशेंस, सब्र, इस्तकामत, यानी फोकस हो, पेशेंस हो और डिटर्मिनेशन हो। आपके पास पैसा है या नहीं, अगर आपके पास फोकस और पेशेंस और डिटर्मिनेशन नहीं है, तो आप कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ ना आए। आप चाहे कितनी बड़ी कंपनी है, आप चाहे जितने बड़े सेठ हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना आए कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ। आपके अंदर अगर हौसला है, दिल गुर्दा है, 3-4 साल सब्र कर सकते हैं, पैसा लगाई जाना लग सकते हैं, इतना वेट कर सकते हैं कोई 2-3 साल के लिए, फिर बिस्मिल्लाह इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी का नहीं, फ्यूचर है ही एग्रीकल्चर का। ये जो रोड एंड बेल्ट और ये जो सी पैक जैसे मंसूबे हैं ना, ये एग्रीकल्चर बेस्ड ही है, सारी इंडस्ट्री हमारी सारी जो है आपको पता है एग्रीकल्चर बेस्ड है ओवरऑल वर्ल्ड। तो फिर आप ना आए, फिर आप कोई कंपनी का शोरूम ले लें, कोई बैंक ले लें, या आप अपने फैक्ट्री ऐड कर लें, फिर कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ ना आए, अगर सब्र नहीं, हौसला नहीं, दिल गुर्दा नहीं। अगर है, शेर दिल है, पैसा लगा सकते हैं, सब्र कर सकते हैं, तो बिस्मिल्लाह इससे बेहतर काम ही कोई नहीं है। थैंक यू डॉक्टर सजाद।